चलिए तो आज बना लेते हैं खंडली, जो कि बहुत आसान तरीके से बनाएंगे और जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पितोड़, पितोड़ भी बोला जाता है कई जगह पे इसको। तो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन, बेसन छान के लिया है, उसमें डाल देते हैं थोड़ी सी अजवाइन और फिर इसमें डाल देते हैं साबुत खड़ा धनिया। इसको चाहे तो मसल के डाल दीजिए, चाहे वैसे ही डाल दीजिए, साबुत ही मसल के डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्वाद आ जाता है, इसमें खुशबू फैल जाती है। और फिर थोड़े से सूखे मसाले डाल देते हैं, जैसे कि नमक, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी भी है और थोड़ी डाल देते हैं कसूरी मेथी। अब इन सबको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा सा पहले घोल बनाएंगे, फिर उसमें बाद में पानी डालेंगे, और क्योंकि गुठलियाँ पड़ जाती हैं अगर हम एकदम डायरेक्ट पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो पानी पानी हो जाता है, बाद में डालेंगे, पहले थोड़ा गाढ़ा सा ही घोल बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर उसके बाद में आप जितना चाहिए उतना पानी डालिए, लेकिन इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा पतला ही रखेंगे, जैसे कढ़ी बनाते हैं ना उस टाइम घोलते हैं लस्सी में, छाछ में बेसन, वैसा ही। और चलिए मैंने गैस पर रख दी एक कढ़ाई, आपके पास जो भी बर्तन है वो रख लेना। और फिर इस सारे मिश्रण को उस बर्तन में डाल देते हैं कढ़ाई चाहे पतीला, और इसको धीमी धीमी आंच पे इसको हिलाते हुए पकाना है, जब तक इसको अच्छे से गाढ़ापन ना आ जाए, इसमें लगे आपको कि हाँ जी पक गया है, कढ़ाई छोड़ने लगा है। देखिए इस तरह से थोड़ी गुठलियाँ हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो अपना आप गुठलियाँ फूट जाती हैं। अब ये देखिए मेरा मिश्रण अच्छे से पक चुका है और थोड़ा थोड़ा साइड से कढ़ाई छोड़ने भी लगा है। तो मैंने दूसरी तरफ मैंने दो प्लेटों में तेल लगा लिया है कि भाई इसको इसमें फैलाना है, ठंडा करना अपन को, जैसे कि काजू कतली काटते हैं तो उस तरह से करिए, चाहे बर्फ़ी की शेप में, जिस तरह से भी इसको ठंडा करके काटेंगे। तो अब मैंने गरम गरम को ही इस प्लेटों में डाल दिया, तेल लगा के रख दी थी दोनों प्लेटों में। तो देखिए इस तरह से बना के खा सकते हैं, आपका मन ना हो कभी सब्जियां बार बार एक ही सब्जियों को बना के हो गए हों बोर, तो इस तरह से आप बेसन से नई सब्जी बना के खा सकते हैं। अगर आपने नहीं बनाई हो तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, और सच मानिए बहुत बहुत स्वाद बनती है। आप जैसे बेसन के गट्टे वगैरह होते उनको भी खाना भूल जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे तो। तो फिर जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक के लिए मैंने थोड़ा सा मसाला पीस लिया, जैसे कि एक प्याज, थोड़ी सी अदरक, काली मिर्ची है 10-12 दाने, और थोड़ा सा डाल दिया इसमें लहसुन। अब इन सबको ही पीस के रख लिया है। अब ये देखिए मेरे ये जो मैंने फैलाया था खंडली, इसको ठंडा हो गया है, 10 मिनट के लिए रखा था। तो अब इसके पीस काट लेते हैं, चाहे तो इसको बर्फ़ी की शेप में काट लीजिए, चाहे इसको आप डायमंड शेप में काट लीजिए, जैसा मन करे वैसा काटिए। इसको आप है ना पहले फ्राई करके ही बना सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही बनाऊंगी इसको। आप चाहे तो इसको नाश्ते के तौर पे ही बना के खा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से मैं कट लगा रही हूँ, आप इस तरह से काट के और थोड़ा सा तेल में जीरा वगैरह डाल के, हरी मिर्ची, प्याज, तो इसको नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं, बहुत स्वाद बनती है खंडली। लेकिन मैंने आज सब्ज़ी ही बनाई है इसकी, और बिगर फ्राई करके बनाई है। आप चाहे तो इसको पहले थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना, बहुत स्वाद बनती है इस तरह से भी। ये देखिए मेरे बिल्कुल क्लीन थाली निकल रही है, अच्छे से बनी थी ये खंडली। अब चलिए इसको छोंकना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो तेज पत्ते लिए हैं, उसको तेल में डाल दिया है कढ़ाई में, और फिर थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा, और एक बड़ी साइज़ की प्याज थी ये भी डाल देते हैं, इसको भी अच्छे से पका लेते हैं, थोड़ा सा गुलाबी सा कलर हो जाए। ये देखिए अब मैंने इस तरह से सारी चीज़ों को पका लिया है। अब इसमें जो मैंने मसाले पीस के रखे थे, अदरक, लहसुन, प्याज और काली मिर्ची का, तो वो पेस्ट भी डाल देते हैं, तो इसको और थोड़ा सा पका लेते हैं। अब यहाँ पे फिर मैंने थोड़े सूखे मसाले डाल दिए हैं, चटपटी अच्छी लगती है सब्ज़ी, तो मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना, तो इसमें भी हल्दी, मिर्ची, नमक और थोड़ा डाल देते हैं धनिया पाउडर, और फिर डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब लीजिए अब मैंने इनको भी अच्छे से थोड़ी देर के लिए पका लेना है। अब ये लगे कि हाँ जी अब थोड़ा थोड़ा ये पक गया है मसाला, तो अब इस टाइम पे आप डाल दीजिए दो बड़े बड़े टमाटर काट के, अब इनको भी हमें पकाना है। बस सारा काम इसमें यहाँ भुनाई का है, जितने अच्छे से आप मसाले को भूनेंगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा।
और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा सा डाल दिया दही, जैसे कि 2 या 3 चम्मच के करीब है। दही से सब्ज़ी बहुत स्वाद बनती है। अब लीजिए, ये भी पक चुकी है दही। और अब डाल दिया धनिया पत्ती, जो कि मैंने धो के और काट के रखा था। अब इसमें जितनी अपन को तरी चाहिए उतना पानी डाल दीजिए, और गैस की फ्लेम को कर दीजिए थोड़ा सा तेज़, जो जल्दी से उबाल आ जाए। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सारी ही आपको खंडली एक बार में डालनी है, जितना खाओ उतना ही बनाओ। इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची काट के डाल दी थी, और देखिए मेरा ग्रेवी में उबाल आ गया था। अब मैंने खंडली डाल दी है, तो इस तरह से देखिए खंडली कितनी सुंदर और कितनी अच्छी है, और स्वाद भी बहुत अच्छी बनती है। ऐसे लगते हो आप पनीर को ही भूल जाओगे, इतनी स्वाद बनती है।